और आज पीटीआई के जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, जहां स्पीकर ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा? हमारे दुश्मनों को और क्या चाहिए? और मैंने पाकिस्तान के अंदर बताया कि किस तरह लसबेला के शोहदा के बारे में बातें की गई, ये कहा गया कि जो ये जो चले गए इस दुनिया से चले गए, जहाज बच जाना चाहिए था। अंदाजा करें कि जिस मुल्क के अंदर आप खाते हैं, जिस मुल्क ने आपको बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया और पाकिस्तानी बनाया, आज आप एक दुश्मन से भी बढ़कर आप उनके ऊपर वार कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसकी इजाजत देंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, तारीख आपको माफ नहीं करेगी, मुझे माफ नहीं करेगी, इनको माफ नहीं करेगी। इसलिए जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि हमें इस ऐवान को आज, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें इसके ऊपर एक ठोस लाअमल इख्तियार करना होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस ये साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने हकायक की बुनियाद पर इनके खिलाफ और इनके खिलाफ तो झूठे मुकदमात बनाए गए। मुझे आप बता दें जनाब स्पीकर कि 5 साल गुजर गए हैं, इमरान नियाजी ने इनके खिलाफ और इनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे बनाए उनके बारे में एक केस भी है जहां पर हकायक की बुनियाद पर किसी को सजा मिली? हां, पुराने नैब के कवानीन के मुताबिक कुछ हमारे साथी उनको इंसाफ मिला, पुराने नैब के कवानीन के मुताबिक। जनाब स्पीकर, उस जमाने में बीआरटी पेशावर को स्टे ऑर्डर